जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। फ्रेंड, भारत ने पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। फ्रेंड, तो आज हम जानने वाले हैं पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए। फ्रेंड ठीक है, तो भारत ने फ्रेंड 10 जनवरी को, मंगलवार को, उड़ीसा के चांदीपुर तट से इसका प्रशिक्षण किया, जहाँ पर हमने फ्रेंड इसकी जो मारक क्षमता प्राप्त की वो 350 किलोमीटर, मैक्सिमम जो मारक क्षमता प्राप्त हुई है वो 350 किलोमीटर प्राप्त हुई है। और फ्रेंड जो ये वॉरहेड ले जाने में सक्षम है वो 500 किलो से 1000 किलोग्राम तक के बीच का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेंड हमारी जो छोटी रेंज की जो मिसाइल है वो 500 किलो से 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड में सक्षम है, जो हमारी मारक क्षमता बढ़ा रही है, भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाती है। सो ये कब याद रखना फ्रेंड। फ्रेंड अगर हम बात करें फ्रेंड इसके इसके और खूबी के बारे में, इसके और मुख्य विशेषता के बारे में, तो फ्रेंड ये जो मिसाइल है पूर्ण रूप से भारत के द्वारा ही विकसित की गई, और कंट्री से हमें इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से फ्रेंड हमारा धन विदेशों में जाने से बचेगा। दूसरी चीज फ्रेंड, ये सतह से सतह मार करती है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना फ्रेंड। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 250 किलोमीटर से 350 के बीच में है, जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे अगर हम इसको तैनात देते हैं, सो 250 से 350 किलोमीटर का एरिया वो निश्चय नाबूद कर सकती है इस मिसाइल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, मैंने बताया 1 टन से ज़्यादा ये पेलोड ले जाने में सक्षम है, तो इस लिहाज से हमारी छोटी रेंज की मिसाइल है 1 टन से ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड। और इसकी जो मारक क्षमता है फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट, 100%, मतलब कि अगर आपने इसको दाग दिया तो जिस एरिया में जाके ये जिस एरिया के लिए आपने दागा है, सो वहाँ पर ये निश्चय नाबूद कर देगी कि चीज़ को, तो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, अगर फ्रेंड हम बात पृथ्वी सेकंड की, तो भारतीय वायुसेना को पहली बार शामिल किया गया था, फिर सबसे पहले इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, उसके बाद फिर से भारतीय सेना में शामिल किया। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फ्रेंड मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ मिसाइल बनाती है वो DRDO बनाती है, पर जो DRDO के साथ एक संस्था और काम करती है वो है फ्रेंड IGMDP। तो IGMDP की मिसाइल विकसित की गई थी, तो ये भी बता देना फ्रेंड, तो IGMDP के द्वारा ये पहली मिसाइल विकसित की गई थी। फ्रेंड अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर ले, तो पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल है, पृथ्वी जो मिसाइल है मुख्य रूप से सतह मार करती है, और ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। फ्रेंड सबसे पहले 1983 में हमने इसको विकसित करना चालू किया पूर्ण रूप से, हम ये चाहते थे कि पूरा विदेशी रूप हमारे हमारे द्वारा स्वदेशी रूप से पूरा किया जाए, मतलब कोई दूसरी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी ना लेनी पड़े। लाइक हमें हम जैसे सोवियत संघ से टेक्नोलॉजी ज़्यादा लेते थे मिसाइलों के लिए, या सोवियत संघ से हम कोई नई मिसाइल खरीदते थे, तो हमें ये ना होना पड़े, हम खुद विकसित करें। तो सबसे पहले 1983 में हमने काम चालू किया, और 1980 में आते आते हमने इसका प्रशिक्षण किया श्रीहरिकोटा सार से, और हमने जो इसकी रेंज प्राप्त की वहाँ पे वो थी फ्रेंड 150 से 300 किलोमीटर के बीच की, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं भारत के लिहाज से। तो सबसे पहला जो प्रशिक्षण किया गया था 1988 में श्रीहरिकोटा सार सेंटर से इसका हमने पहला प्रशिक्षण किया फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड, जो इसका जो संस्करण है ना पृथ्वी 1 पृथ्वी सेकंड श्रेणी, तो जब इसको हमने नौसेना में दिया, तो नौसेना ने जो नेम रखा वो धनुष था फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारी पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल है ना, उसकी जो प्रद्योगिकी S-2 मिसाइल के से ली गई है, मतलब जो उनकी जो मिसाइल है ना SA-2, वो सतह से हवा में मार करती है, तो वो जो उस तकनीक है जो उसकी पावर देती है, जो क्षमता देती है, जो गति देती है, वो बेसिकली सोवियत संघ की एक मिसाइल है SA-2 के तहत ली गई है, जो 1950 के दशक में मतलब उन्होंने विकसित की थी, और जो हवा से सतह से हवा में मार करने की इसकी क्षमता थी, तो वो उसके लिए इसको अपने लिए विकसित किया था। तो इम्पोर्टेंट बात है इसकी याद रखना फ्रेंड। और पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल वर्ष 1994 भारतीय सेना में सेवारत हुई, और कथित तौर पर बताते हैं जो प्रहार हमारी मिसाइल आगे, फिर हमने पृथ्वी मिसाइल को इसकी जगह ले, तो जो हिस्ट्री थोड़ी और रूप से की है वो काफी इंपॉर्टेंट है जानने के पूरे चांस ना। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर